ज़रा पीछे हो जाओ यार फोन, तुम अपने फ़ोन से कर लो ना, पीछे होके कर लो, कर लो भाई। जब मुझे कहोगे मैं शुरू कर दूंगा। क्यों है? ओके ओके, दो मिनट ले लें। जस्टिस जहांगीरी से तारिक महमूद जहांगीरी। आज जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की अदालत में सरदार राजिक साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पेश हुए और उन केसेस पर जो कि मुझ पर इल्ज़ाम है रावल के ख़िलाफ़ गलीज़ और गंदी ज़बान इस्तेमाल की, उस पर दोबारा स्टे जारी हो गया है। और ये अब ईद के बाद लगेगा और बाकी जो हालात हैं इस वक्त के करारदाद पास करने जा रही है असम्बली। कल 5 बंदे बैठे हुए थे कौमी असम्बली में और हमने ऐसी कई करारदादें पास की हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, कौमी असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट के मतहत है। सारी अदलिया जो है वो आइन और कानून के ताबे है और सारा मुल्क और सारे अदारे अदलिया के ताबे हैं। उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दिया। उन्होंने ये कहा है कि आप 90 दिन में इलेक्शन कराएं और इनकी सियासी माँ मरी हुई है, इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, शक्ल दिखाने के अवाम में काबिल नहीं है, आटे से मर रहे हैं लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। और ये कह रहे हैं डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा, एमरजेंसी लग जाएगी, मार्शल्ला लग जाएगा, जो कुछ भी लगेगा इंशाअल्लाह ताला इन शरीफों जरदारियों और फजलुर रहमान पे लगेगा। गरीब पर इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता जो आया हुआ है। और इलेक्शन का शेड्यूल आ गया है। इलेक्शन के शेड्यूल के आने के बाद अब ये कह रहे हैं हिम्मत है। अगर हिम्मत है, अगर कलेजा नहीं फटना तो रेफरेंस लाओ 3 जजों के खिलाफ। ये सिर्फ मरियम साहबा और नवाज शरीफ चाहते हैं कि रेफरेंस आए, सारी पार्टी रेफरेंस नहीं चाहती। और मिनट्स आउट करें कैबिनेट के, अदलिया के खिलाफ अगर काबीना ने फैसला दिया है तो मिनट्स आउट करें। ज़राए के ज़रिए टीवी पे खबरें मत चलाएं। और अगर आप में हिम्मत है, आप रिव्यू पे ले जाना चाहते हैं, आप ले जा सकते हैं कानूनी तौर पे 30 दिन के लिए रिव्यू पे ले जा सकते हैं। आप ले जाकर देख लें। सारी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सारी कौम चट्टान की तरह उमर खताब बंदियाल के और जस्टिस अजाज साहब के और तीनों जजेस के फैसलों के साथ खड़ी है। मुल्क में इलेक्शन की तैयारियाँ हैं, ये इलेक्शन से फरारी हैं। और ये पार्टियां हैं कौन पंजाब में? आप कागजात नामजदगी देखें, सवाए नून लीग के इक्का दुक्का कैंडिडेटों का किसी ने कागज़ ही नहीं जमा कराए। 13 पार्टियों में से सिर्फ 3 पार्टियों ने कागज़ जमा कराए हैं, 10 पार्टियों के पास कैंडिडेट ही नहीं है। वैसे ही जुम्मा जंज के साथ हैं, कंपनी की मशहूरी के साथ लगे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये 1997 नहीं है, जस्टिस मुनीर की रूह दफन हो चुकी है, जस्टिस कार्नल्स की रूह जिंदा हो चुकी है। और 24 करोड़ लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और वो अपना हक। और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि तुम पीडीएम को वोट दो या नून को दो या इमरान, उन्होंने तो कहा कि इलेक्शन कराओ, वोट जिसको मर्जी दो, जमहूरी और आइनी हुकूमत बहाल करो और इंशाअल्लाह ताला ये बहाल होके रहे। देखें, इमरान खान ने तो ये कल कहा कि ये कोई बेहतरी इनके पास आई है और जलील हो जाएंगे। एक साल के अंदर इन्होंने इतनी हमाकतें की हैं कि इमरान खान ज़मीन से मकबूलियत के आसमान पे चला गया है। आप यकीन करें, हमें इनका बेवकूफ़ों का मशकूर होना चाहिए, हमें मरियम नवाज शरीफ का मशकूर होना चाहिए कि इनकी बेवकूफ़ी से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो गया है और हम सियासत के मैदान में हैं।
अगर आप जब गलत फैसला करेंगे तो अल्लाह के फजल से अवाम की ताकत हमारे साथ है, हम भी अवाम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। आप साजिशों को इस्तेमाल करेंगे, हम अवाम की ताकत को इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कराएंगे। और अगर आपके पास अक्टूबर के लिए सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने के लिए कोई राय है तो इमरान खान ने कहा वो बताई जाए, इनके पास कोई राय नहीं है क्योंकि वोट इनके साथ नहीं है। थैंक यू। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 400 BC का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।